पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के बीच घमासान जारी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंची सीबीआई टीम के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर। धरना स्थल से ही कर रही है कैबिनेट की बैठक। गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला 7वां राज्य बना महाराष्ट्र। केंद्र की तरह अब महाराष्ट्र में भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्वर्णों को 10% आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। अब तक महाराष्ट्र और बिहार समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसाम कर चुके हैं लागू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंगल का राजा शेर बताया, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तुलना कुत्ते बिल्ली से करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ जुटे विपक्ष में एक भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर एक नई याचिका दायर की गई। इस याचिका के तहत याचिकाकर्ताओं ने अयोध्या भूमि अधिग्रहण एक्ट 1993 को दी चुनौती। याचिका के जरिए मांग, अयोध्या भूमि अधिग्रहण एक्ट को निरस्त किया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर दिया ऐसा बयान कि लगने लगे कयास। गडकरी बोले कि जो घर नहीं संभाल सकता वह देश क्या संभालेगा। नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दिया गया इस बयान को विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर निशाना बताया। हमारी वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।